स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि 15 अप्रैल यानी थर्सडे की वर्कशीट है और यह कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो आज की वर्कशीट का विषय है गणित। तो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो बच्चों, सबसे पहले आपको वर्कशीट में ये जो इन्फॉर्मेशन दी है बॉक्स में, जो भी आपको बताया गया है, वो आप खुद से पहले रीड आउट करेंगे और आप समझेंगे। उदाहरण भी आपको दिए हुए हैं, दो उदाहरण, एक उदाहरण दो। आप उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे और फिर मैं आपको, जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगी भी कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले आप सभी बच्चे वर्कशीट को पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस पे आए। तो चलिए, मैं अब चलती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने। तो बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। दो यहाँ पे आपको सवाल दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला हमको जो फ्रैक्शन दिया गया है वो है 2/4। तो अब 4 है तो आप यहाँ पे, आपको एक ट्रायंगल ऐसा दिया गया है जिसको 4 भाग में बांटा गया है। तो इसमें 4 भाग हैं, 1, 2, 3 और 4। तो 4 में से यहाँ पे 2 भागों को कलर कर दिया गया है। ये आपको सबसे इजी तरीके से समझाने को दिया है। इस ट्रायंगल के 2 भाग को कलर कर दिया, यानी ये 2/4 हो गया। अब अगला ट्रायंगल आप देखो, त्रिभुज जो है उसमें 1/4 है। तो आप ऐसे समझो कि इसमें से सिर्फ एक भाग कलर किया हुआ है। अब इन 2 भागों में से, यानी 2/4 में से हम एक भाग को माइनस करेंगे, यानी 2/4 में से हम 1/4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। तो 2 भाग में से, कलर्ड पोर्शन में से अगर हम एक हटा दें, सपोज करो अगर हम ये वाला हटा दें तो कितना कलर बचेगा, ये वाला सिर्फ बचेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। तो ये ऐसे हो जाएगा, हम एक को कलर कर देंगे तो एक ही बचेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको 2/4 में से आपको -1/4 है तो आप कैसे करोगे, नीचे 4 का 4 आप उतार दोगे। जो यहाँ पे नंबर दिया है 4, वो आप ऐसे ही एज इट इज उतार दोगे। ऊपर जो नंबर है, यानी 2 माइनस 1 कितना आता है, 1 आता है। तो बस आप ऐसे ही आंसर लिख दोगे। अगला है 4/5 + 3/5, यानी 4/4 + 3/4, दोनों को आपको एड करना है। अब ये भी आप कैसे करोगे, 4/5 + 3/5। तो इसको आप कैसे ऐड करोगे, इज इक्वल टू, नीचे आप यहाँ पे दोनों में 5 है तो आप 5 ही यहाँ पे उतार दोगे और सिर्फ जो ऊपर का नंबर है, यानी 4 और 3, तो 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। तो ये 7/5 हमारा आंसर हो गया। तो ये इतना इजी है। तो आपको नीचे के जो अक्षर है वो आपको एज इट इज लिख देने, यानी 4 अगर है यहाँ पे, या यहाँ पे 2/3 या -1/3 होता है, या फिर यहाँ पे 2/9 - 1/9 होता है, तो आप नीचे 9 लिख देते हैं या नीचे 3 लिख देते हैं, और जो ऊपर का नंबर है उसको आपको सिर्फ घटाना है या फिर जोड़ना है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट